पहला दिन राइड की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना लगेज पड़ा है। हम पेंत्रा इन गुजराती। सो इतना ही नहीं है, और भी है। देखिए यहाँ पे भी इतना सारा पड़ा हुआ है। मेरे पीछे देख सकते हो दो पेनियर्स पड़े हुए हैं, एक टॉप बॉक्स पड़ा हुआ है और काफी सामान बिखरा पड़ा हुआ है। और जाने से पहले हम लोग रात को निकलने वाले हैं, यानी कि 10 बजे का टाइम है। तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो सोने के लिए कुछ पेट में डालना पड़ेगा। तो हमने ट्राई किया है अपने हाथों से कैसा बनेगा वो तो खाने के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज सही बनी है, वही है छाछ। रेडीमेड आई है, हमने खाली बर्फ डाली है। देखो रेसिपी क्या है, छाछ बाहर से लेनी, उसमें बर्फ डालनी है। बरेला मुमरा हो जाएगा तैयार। तो चलिए इसको करते टेस्ट। क्या गुल खिलाया मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये एक्सपेरिमेंट ललित पे किया हुआ है, देखते क्या होता है। भगा 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 मजाक कर रहा है, इतना भी बुरा नहीं बना भाई, इतना भी बुरा नहीं है, खाने लायक है। तो पंखा चालू कर देते हैं। पंखे के बिना रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोग जानते हो राजकोट का टेम्परेचर 40, 42, 43 चल रहा है। और हमको जाना है अहमदाबाद है, राजस्थान क्रॉस करते हुए। तो क्या होने वाला आप लोगों को पता है, इसलिए हम लोग कहेंगे 10 बजे मिलते हैं, 10 बजे या पहले भी मिल सकते हैं। चलिए होता है पहले खाना, सॉरी करते हैं पहले खाना फिनिश। और यहाँ पे अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। बस इन भाई साहब के ये नए 3BHK के लिए तो स्टिकरिंग का काम भी कर रहे हैं अभी। ये जरूरी होता है रात को राइड करनी है तो स्पेशली ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होगा तो पीछे से पता चलेगा कोई आ रहा है, वरना ठुक ठक के चला जाएगा तो वापस करना पड़ेगा। तो चल रहा है इसे जुगाड़ छोटा मोटा गिरा के। चलो लगे रहो आप। बाकी ऐसा कुछ हाल है, अभी पूरा सामान तितर बितर है, अभी हमारे भाई आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह का प्रिपरेशन चल रहा है। टॉप बॉक्स रेडी हो गया, इसमें एक आध अभी लैपटॉप आ जाएगा हमारा, और ये पूरा कपड़े का, इसमें गर्म कपड़े और नॉर्मल कपड़े सभी पड़े हुए हैं। इसमें एक्सेसरीज है थोड़ी बहुत, और इसमें साथ में नाश्ता। एक्सेसरीज से ज्यादा तो ये खाना खजाना है ये खाना खजाना। देखोगे आप ऐसा लगेगा क्या 15 दिन 20 दिन जा रहे हो। गुजराती का ये है, गुजराती मानुष जब निकलता है ना तब ये रहता ही है हमारे पास। है खाखरा, तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है खाखरा। ये फिर ये चॉकलेट है, ये तो ऐसे मुंह में पानी पानी कर देगी। इसमें इसमें ऐसे सींग है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, चना है, चना नहीं बोलते इसको, खारी सींग बोलते हैं। और ये छोटी सी भाकरी है, और इसमें भी सेकंड भाकरी अलग फ्लेवर की है। और ये चिक्की, चिक्की ऑल टाइम फेवरेट है। इसको क्या आप हिंदी में क्या बोलते हैं, पीनट बार लिखा है इंग्लिश में। चना जिसको आप समझ लो हम किस लिए लेके जा रहे हैं। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट चीज है। और नाश्ते से चकना लग रहा है, चकना लेके जा रहे हैं। हेल्दी बाइट है, अगर कहीं पे खाना नहीं मिला तो हम ये गुजारा कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इस तरह की है। हाँ, अगर गुजराती के साथ अगर आप राइड करोगे तो ये खाना आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये होममेड है तो ये भी मजा आएगा खाने का ही। और इसमें और ग्लव्स वगैरह, चेन क्लीनर, चेन स्प्रे। और ये ट्राई करके देख तेरी मुंह की हालत, फिर मैं देखूंगा। एक बार ट्राई करो। ट्राई करते भाई कैसा है। जब थकान लगेगी ना तब ये चीज अच्छे से काम आएगी। चलो मूड ऑफ हो जाएगा तुम्हारा, जब मूड ऑफ तब इमली की गोली। इसमें देखो इसमें देखो अच्छा ना, बढ़िया आइटम है, लायक मुझे दे दे। एक बच्चे एक में दो आती है, ये बढ़िया चीज है भाई इस राइड का।
मुझे लग रहा है आज के दिन में खत्म हो जाएगी। अभी जाते हैं सिटी में, दोबारा एक उठा लेते हैं उसको, उड़ाते हैं इसको। ये बाहर लेके झाड़ने लेके जाते किसी पे ऐसा पॉलिथीन नहीं, वरना क्या होगा इसमें ये पिघलेगी। अच्छा पिघलेगी ना गर्मी से, तो चिपक जाएगी पूरी तरह। चलो भाई गुड न्यूज़, अपने इस पिटारे में से मिल गया एक जादू का। दिखा तो भाई क्या हाल हुआ है वो। ये चीज़ पता है मैंने शोरूम वालों को यानी कि सर्विस स्टेशन वालों को बताई थी, तो सर्विस स्टेशन वाले मुझे क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा एसेसरीज लगी है ना उसका आवाज़ आ रहा है। उनको ये नहीं मिल रहा है कि ये तुम्हारा बोल घिस रहा है, ये कब पहले थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा था। ये देख रहे हो भाई कितना घिसा है, मेटल टू मेटल। ये साला किधर घिसा है तो सुबह ही मालूम पड़ेगा। अभी रात के कितने बजे भाई, 2 बजे हो गए शायद से। टूल है ना इसमें? हाँ टूल है अपने पास, वो नहीं आ रहा पानी। ये नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अरे है ना अपने पास, उधर थोड़ा आगे, थोड़ा आगे ले ले उसको, थोड़ा आगे लेके ये एक्सटेंडर लगाओ ना। फिर इसको किस में लगाओ, रैचेट है? रैचेट ये रहा। ये हमारा लाइनअप, लाइनअप में कुछ ज़्यादा नहीं है, दो ही गाड़ियाँ हैं। और आप देख सकते हो बगीरा कैसा लग रहा है, और ये वेनम भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये बगीरा वेनम से ही एक्सपल्ट है, ये इंस्पायर हुआ है। और ये पूरा सेटअप, गुड इवनिंग, बजे शाम के 7 और हम निकल रहे हैं पानी से, सॉरी पानी पानी से नहीं पाली से निकल रहे हैं। पानी शरीर में कम हो गया था कल सुबह, तो अभी आज सुबह, सॉरी कल सुबह, इतना शेड्यूल हमारे बिगाड़ के रखा है ना, मालूम ही नहीं है हम लोग क्या है क्या कर रहे हैं। क्योंकि रात को निकले थे, अभी शाम को सुबह में इधर पहुंचे, तो सुबह में आके सो गए, सोए थे शायद हम लोग 11 बजे इस जगह पे हम आके सो गए थे। देखिए ये एज यूजुअल हमारा हर ट्रिप में ये रूम बुक रहता है, तो अभी 6 बजे 7 बजे उठे, यानी कि 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद ले ली है। अब यहाँ से निकल रहे हैं पाली से दिल्ली के लिए। दिल्ली का कुछ डिस्टेंस 500 किलोमीटर नियर अबाउट है, और वहाँ पे जाके फिर से शाम को सो जाएंगे, नहीं सुबह में सो जाएंगे। सुबह सोने के बाद फिर से वहाँ से जाके डिसाइड करेंगे अगला प्लान क्या होता है। तो चलो अभी निकल रहे हैं हम पाली से, मिलते हैं आप लोगों को रास्ते में। ये है जीगू अन्ना जो हमारे साथ ये दूसरी राइड में है एज एन अपेलियन, और बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर्स है, और क्या क्या है वो मैं नहीं बता सकता आप लोगों को। क्यों है क्या है वो नहीं बता सकता, इसलिए वो पता नहीं। को हर कोई अपने आप में कुछ ना कुछ छुपा के बैठा होता है, इसलिए जीगू अन्ना ने जो जो छुपाया था वो आज पता चल गया क्या छुपाया इसने। खा जाए तो रात के 8 बजे, अभी रात ही हो गई भाई 8 बजे। शाम चलो भाई, अत्यारे हमें लोगों चाहिए पाली मां ने, पाली मां हमारा बाइक नो लाइन अप જોઈ શકો છો, બધો જ સામાન અત્યારે બધો જ પેનિયર્સ સેટ થઈ રહ્યું છે, અને સેટ કરીને સીધા અમે નીકળી જવાના છીએ અહીંથી દિલ્હી માટે, અને દિલ્હી રસ્તામાં ક્યાંક અમે ભોજન સમારોહમાં રાખેલો છે, તો આપ સૌ બધાને ભોજન સમારોહમાં આ જેસીબી 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 યોગીજી યોગીજી મેરે ગામ મેં જબ ભી જેસીબી આતા હૈ તો લોગ ઘર સે અપને ક્યા હોય પાથર ના હોતે ને વો લેકે ચલે જાતે ઓર બેઠતે હૈ સાલા ક્યા દેખ રહે હોતે જાદ ઇસમે શો ચલ રહા હૈ જેસીબી ચલો સાથીઓ જંગ પે નિકલતે ઘોડસવાર સેનાપતિ કો બુલાઓ सेनापति रेडी बाय दड़ियू।
ये था कुछ हमारा स्टे। हर बार हम इधर ही रुकते हैं, आज ये बार भी शायद चौथा स्टे है इस होटल में। जब भी आओ हमारा जो फेवरेट रूम होता है वो रेडी रहता है। और ये है जतिन, उसके मालिक यहाँ के, और रेजन हमारे सब्सक्राइबर दोनों, ये उसका भाई है, और इसको आप पहचान ही होगा, ये यहाँ पे मजदूर है। तो चलिए निकलते हैं, दोनों गाड़ियाँ लोडेड आप देख सकते हो, ये बगीरा पूरा का पूरा लोडेड, पूरा एकदम सेटअप, और यहाँ से वैनम भी रेडी और सभी तैयारियों के साथ अभी हमारा काफिला निकल रहा है दिल्ली की ओर। तो सुबह मिलेंगे दिल्ली में, आप लोग भी आना चाहते हो तो आ जाइए हमारे साथ, नहीं आओगे आएंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। वहाँ पे पड़ी है हमारी बाइक के, और यहाँ पे सब सजो सामान, और यहाँ पे जिगुन्ना ललित, और ये खाना चालू है अभी, आके सीधा खाना चालू कर दिया क्योंकि दो दिन से रोटी नहीं खाई थी, सब नाश्ते वास्ते पे चल रहे थे। तो देखो खाने में मंगवाया हमने आलू मटर और रोटी, जस्ट इट, रोस्टेड पापड़, ऑनियन, छाछ, दैट्स इट, पानी, और मज़े कर रहे हैं लड़के, मोबाइल में इंस्टाग्राम खेल रहे हैं। अभी आधे घंटे से इस वाले पेट्रोल पंप पे हमने कर लिया है कब्जा कोने में। अरे अन्ना ये क्या कर रहा है बे, इसकी तो अलग ही मौज चल रही है। वारा भरती सोचा था 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 5 मिनट का ब्रेक कब आधे घंटे में बदल गया। तो शायद से अभी एक ब्रेक लेने की जरूरत पड़ेगी हमें दिल्ली पहुंचने के लिए। दिल्ली बाकी होगा कुछ 350 किलोमीटर ओनली, तो सुबह 8 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे दिल्ली। दोस्तों अभी तक का अपडेट ऐसा है, हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली, ये दिल्ली है मेरे यार, और सुबह के नाश्ता करके यानी कि थोड़ा सा खाना खा के सो गए थे, और अभी हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली एक्सप्लोर करने के लिए। ये रहा हमारा बगीरा और वैनम और कुछ फैन, और है यहाँ का ये पूरा वाइब। अभी जाएंगे करोल बाग, और करोल बाग में जाके इसका टायर चेंज करवाएंगे और थोड़ा बहुत काम करवाएंगे। बगीरा में लाइट का थोड़ा ज़रूरत है, लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, और उसका जो थ्रो है थोड़ा कम मिल रहा है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग तो फ्रॉम मैकेनिक शॉप एंड चेंज द लाइट, अदरवाइज एड वन मोर लाइट, एंड दिस इज आवर लोकेशंस। तो चलो भाई निकलेंगे, चलो जी चलो, कब जाना है जीगू, कब ले जा रहे, चलो ना भाई, चलो 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 चलो। एनी आइडियाज? हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पे चल रहा है तामझाम, सब लोग रेडी हो रहे हैं, और ये रूम का हालत देख लो, पूरा मेसी पड़ा है। हम लोग अभी सामान उठा के बाहर डाल रहे हैं, दो पेनियर्स दोनों के चले गए, और जीगा अपना सामान समेट रहा है। और चलिए अब जाते हैं अपन की गाड़ी में, और लेगी नहीं लेगी, बच गया भाई, लोई लोई लुहान नहीं होना चाहिए। अब किधर गया भाई, ओ मोटुल वहाँ पर, अपन ने गाड़ी बाहर निकाल ली है, अब जाएंगे उसको लूप करेंगे, लूप करना जरूरी है।
फाइनली भाई चंडीगढ़ में टायर मिल गए। यहाँ पे दो ऑप्शन है, मैक्सिस और राइस, तो सोचा राइस ही डला देते हैं। फाइनली टायर पूरे पूरे तीन चार स्टेट में टायर ढूंढ लिया और यहाँ पे टायर मिल गया है। देखिए कितना खुश है बंदा, देखिए कितना ये देखिए कितने कट अनफिल्टर्ड जिग्नेश भैया थैंक यू। ये कौन सा सिटी? चंडीगढ़ सेक्टर 21। सब अपने अपने पैर छोड़ो, गाड़ी आ गई, चलो चलो फ्लाइट उठो। सबसे पुराने आइटम लद्दाख की है। क्या बता रहे थे आप? अरे भाई मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें टायर मिल गया, वरना इसका मूड खराब इतना था भाई मुझे, मैं हाथ भी ऐसे नहीं करने देता था, ऐसे भी करो तो इधर रख ऐसे बोल रहा था। थैंक यू, और कुछ नहीं करने दे रहा था। हाँ वो मैं बता नहीं सकता, वो मैं अनफिल्टर्ड जो आएगा ना उसमें बताओ फिल्टर्ड। अभी हम लोग निकल रहे हैं शिमला के लिए। यहाँ से शिमला का बॉर्डर करीबन 50-60 किलोमीटर दूर है। उससे पहले हो रही है हमारी लाइटें, यानी कि फॉग लाइटें हैं, जो ये एक दो ये तीन चार, चारों की चारों लाइटें यहाँ पे होगी कवर, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही आएगा एक चेक पोस्ट, वहाँ पे फॉग लाइट आपकी दिख जाएगी, तो चलन इतना कटेगा जितनी की फॉग लाइट है, और वहाँ पर अलाउ नहीं है, तो इससे चलते अच्छा इसे कवर करें कैसे भी करके। अगर कुछ हमारे पास दो ही कवर है, देखते हैं चार को किस तरह से कवर कर पाते हैं, लेकिन कवर करना जरूरी है। एक बार शिमला से निकल गए फिर कोई टेंशन नहीं, वापस शिमला में घुसेंगे तो वापस इसको कवर करना पड़ेगा, ये याद रखना। कोई भी राइडर अगर जा रहे तो ये ज़रूरी है। एक तो हमने ये कर दिया, ये मैं कवर लेके आया था इसके लिए, अभी दूसरी लाइट कल लगवाई इसने करोल बाग से, इसका क्या करेंगे? इसके लिए मैंने नए वाले सॉक्स लिए थे, तो देखो क्या करना है। अगर आपके पास कोई भी कवर नहीं है तो ऐसे ऐसे BMW का कलर हो गया रे, ये पुलिस का कवर हो गया देखो। इस तरफ एक लगा दिए, एक उस तरफ सॉक्स लगा दिए, हो गया दोनों अच्छे से। बढ़िया जी बढ़िया। आप कहाँ से हो? हरियाणा। ऐसे नहीं ऐसे, सबको सिखाओ। मैं पंजाब से। ऐसे कर दो एक बार। थैंक यू, हो गया। ओके थैंक यू। सिग्निक से पहुंच आप भी कर दो। हां सपोर्ट करेंगे, ये ब्लॉग में आएंगे आगे नहीं देख पाए। पीछे वाला वापस बोलो, जो भाई बोला आपने वापस बोलो एक बार। क्या बाइक चला रहा है वो सिर्फ रास्ते पे फोकस रखेगा, जो साइड में फोकस करा तो आगे ठोक देगा। पीछे वाला सारी जगह देख के इंतजार लेते जाएगा आकाश को। अभी बोलना मत पीछे छानो मुन्ना बैठे आना, बराबर छानो मुन्ना नहीं बैठेगा, छानो मुन्ना ही बैठना पड़ेगा। ये गोली है ना बाबा जी की, बाबा जी की बूटी टरारारा। अभी अभी હવે હે ને મારું બધું મને હે ને હિન્દીમાં બ્લોગ કરવાનું મન થઈ જાય, આ બધું બોલે બોલે ને આપ બધા ખોટા બ્લોગર હે। આ ભાઈ હમણાં કહેતો હતો કે અમારે ગાડી કે આરપીએમ નથી પકડતી, આ ઠોઠું લઈને નીકળાય જ નહીં ભાઈ, તો ઠોઠામાંથી ઉતાર દે તો ના 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 એવું ના હોય, ગાડી ના વાલે ભાગ। હા સારું છે, આ રસ્તો નતો બરોબર, કાલ સવારે જો બધા સાંભળો ને, મને આ માણસ ધક્કો મારે મને ગમે ત્યાં। यो जी अभी बजे रात के 11:22, होटल ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, 9 बजे हमें ये वाला होटल अब मिल गया है। अभी खाना खा के आए हो ऊपर? खाना खाना खा के आया। ठीक ठाक खाना था भाई, ठीक ठाक खाना था, लेकिन प्योर था लेकिन टेस्टी नहीं था। टेस्टी नहीं था, अच्छा था, अच्छा था टेस्ट, अच्छा मतलब खाने लायक था ऐसा था। ऐसा है कुछ हमारा रूम अंदर कहीं पे घूम रहा है, पता नहीं कहाँ पे घूम रहा है। हाँ एक्स्ट्रा मैट्रेस लेने गया है वो, मतलब रिसेप्शन पे गया है। बाकी व्यू यहाँ का बहुत बढ़िया है, जो आपको सुबह मतलब नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और आज भाई ज़्यादा ही थक गए, सुबह निकले थे हम दिल्ली से और चंडीगढ़ में गए, करनाल गए और वाट लग गए। अगर करनाल नहीं गए होते ना तो चंडीगढ़ में बेस्ट काम हो गया था। हाँ
और कभी 6 बजे से पहले पहुंच भी जाते हैं, या फिर 6 बजे से पहले पहुंच जाते हैं, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कल मिलते हैं भाई।